आइए नया वीडियो शुरू करते हैं एक नए शब्द के साथ जो है बहुत या भी। जैसे कि किसी अनिश्चित निर्धारक के बारे में बात की जा रही हो उसे कहते हैं TOO। उदाहरण के तौर पर बहुत ठंडा, टू कोल्ड, बहुत महंगा, टू एक्सपेंसिव, बहुत देर, टू लेट। इसी टू को TOO टू को वाक्य के रूप में समझते हैं। बाहर जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इट इज टू लेट टू गो आउट। टू लेट यानी बहुत देर। वह बहुत तेज बोलती है। शी स्पीक्स टू फास्ट। बहुत गर्मी है। इट इज टू हॉट। यह बहुत छोटा है। इट इज टू स्मॉल। यह उसके लिए बहुत बुरा है। दिस इज टू बैड फॉर हिम। यहां चार शब्द हैं, आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। कम, इनसफिशिएंट। अभी हमने पहला शब्द जो देखा हुआ था टू TOO यानी बहुत। अब हम देख रहे हैं कम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनसफिशिएंट, INSUFFICIENT, इनसफिशिएंट। ये था कम। और अगला शब्द है काफी, सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट। बहुत, इनफ या प्लेंटी, ENOUGH, इनफ और प्लेंटी, PLENTY। बहुत ज्यादा को कहते हैं टू मच, TOO टू मच, MUCH। अपर्याप्त और पर्याप्त समझना तो काफी आसान है और इनका अर्थ भी स्पष्ट है। अक्सर पर्याप्त और बहुत ज्यादा या फिर पर्याप्त और बहुत अधिक समझने में आपको उलझन हो सकती है। इन्हें बेहतर समझने के लिए आइए देखते हैं कुछ वाक्यों को। मैं कम पानी पीता हूं, आई ड्रिंक इनसफिशिएंट वाटर। मैं काफी पानी पीता हूं, आई ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। कम पानी पीता हूं, इनसफिशिएंट वाटर। काफी पानी पीता हूं, सफिशिएंट वाटर। मैं बहुत पानी पीता हूं, आई ड्रिंक प्लेंटी वाटर। मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूं, आई ड्रिंक टू मच वाटर। भी, सबसे पहले मैंने बताया भी और बहुत दोनों का अर्थ है टू। आइए अब भी को देखते हैं किस प्रकार से इसके लिए टू का उपयोग होता है। इसका उपयोग आमतौर पर अग्रणीय संज्ञा और विशेषण के साथ किया जाता है। अभी अभी आपने टू के कुछ उदाहरण देखे, आइए देखते हैं इनका अलग अलग संदर्भ में कैसे उपयोग करना चाहिए। बहुत तेज, टू फास्ट। बहुत ठंडा, टू कोल्ड। बहुत गर्म, टू हॉट। बहुत बड़ा, टू बिग। बहुत ज्यादा, टू मच। टू मच का उपयोग अग्रणीय संज्ञाओं के साथ किया जाता है, जैसे कि हवा, प्रदूषण और पानी वगैरह, जिन्हें आप गिन नहीं सकते। बहुत ज्यादा यानी टू मच के कुछ और उदाहरण, टू मच फूड, बहुत ज्यादा खाना, टू मच फूड।
बहुत ज्यादा पानी, टू मच वाटर, बहुत ज्यादा गर्मी, टू मच हीट, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, टू मच ट्रैफिक. इसी प्रकार से बहुत सारे, टू मैनी. इसका उपयोग हमेशा उन संज्ञाओं के साथ किया जाता है जो गिनी जा सकती है. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टू मैनी की. इसका उपयोग हमेशा उन संज्ञाओं के साथ किया जा सकता है, जाता है जो गिनी जा सकती है. उदाहरण के तौर पर किताब, कुत्ता, टोपी वगैरह वगैरह वगैरह. बहुत सारे, टू मैनी के कुछ उदाहरण, बहुत सारी किताबें, टू मैनी बुक्स. जैसा कि हमने कहा था, जो चीजें गिनी जा सकती हैं वहां पर टू मैनी का उपयोग होता है. टू, बहुत सारी किताबें, टू मैनी बुक्स. बहुत सारे लड़के, टू मैनी बॉयज. बहुत सारी कारें, टू मैनी कार्स. बहुत सारे लोग, टू मैनी पीपल. मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव हर टू मच. यहां पे टू मैनी की जगह आ गया टू मच, क्योंकि प्यार को आप गिन नहीं सकते. मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव हर टू मच. बहुत ज्यादा कोला आपके लिए अच्छा नहीं है, टू मच कोला इज नॉट गुड फॉर यू. उनके पास बहुत पैसे हैं, दे हैव टू मच मनी. बहुत ज्यादा मत खाइए, प्लीज डू नॉट ईट टू मच. यह ठंडा नहीं है, इट इज नॉट कोल्ड. थोड़ी ठंड है, इट इज लिटिल कोल्ड. काफी ठंड है, इट इज क्वाइट कोल्ड. बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड. आइए अब कुछ इंग्लिश के अभिनंदन यानी ग्रीटिंग्स सीखते हैं. नमस्कार या नमस्ते को कहते हैं हेलो, एच ई डबल एल ओ, हेलो. सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जी डबल ओ डी, गुड मॉर्निंग, एम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग. दोपहर के बाद अगर किसी को आप नमस्कार कर रहे हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाएगा गुड आफ्टरनून. और आप अगर किसी को शाम को मिल रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं तो आप कहेंगे शुभ संध्या, और उसे इंग्लिश में कहेंगे गुड इवनिंग. और रात में अभी किसी से आप अलविदा कह रहे हैं तो आप कहेंगे शुभ रात्रि, और इंग्लिश में इसे कहेंगे गुड नाइट. गुड नाइट का उपयोग रात को अलविदा या गुड बाय करने के लिए कहा जाता है. गुड नाइट का उपयोग कभी भी अभिनंदन के तौर पर नहीं किया जाता. यानी आप किसी को रात को मिले और कहें गुड नाइट, ऐसा नहीं होगा. आप जाते समय, अलविदा लेते समय आप कहेंगे गुड नाइट या गुड बाय. अलविदा यानी गुड बाय. आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन. मैं अच्छा हूं को इसे और एक प्रकार से भी कहा जा सकता है, जो है आई एम गुड. मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम वेरी वेल. या फिर इसे कह सकते हैं आई एम वेरी गुड. सत्कार, स्वागत या अभिनंदन, तीनों को इंग्लिश में एक ही शब्द से जाना जाता है, जो है वेलकम. डब्ल्यू ई एल सी ओ एम ई, वेलकम. किसी का आप स्वागत कर रहे हैं, किसी को आप अंदर बुला रहे हैं या अभिनंदन कर रहे हैं तो आप कहेंगे वेलकम. धन्यवाद या शुक्रिया, जिसे कहते हैं थैंक यू. बहुत धन्यवाद या बहुत शुक्रिया,
जिसे कहेंगे थैंक यू वेरी मच, वेरी मच अभी आपने अभी भी सीखा, बहुत धन्यवाद या बहुत शुक्रिया, यानी थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, तीन शब्द सीख लेने जरूरी है। कुछ नहीं, जिसका अर्थ है नथिंग, NOTHING, नथिंग। इसका जल्दी से एक उदाहरण देख लेते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरे पास फ्रिज में कुछ भी नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग इन द फ्रिज, या फिर आई डू नॉट हैव एनीथिंग इन द फ्रिज। अगला शब्द है कोई नहीं या कोई भी नहीं, इसका अर्थ है nobody और none, NONE, nobody, NOBODY, या फिर none, NONE। आइए इनको और विस्तार से देखते हैं। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, इट इज नथिंग इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास खाने को कुछ नहीं है, पानी पी लो। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, ड्रिंक वाटर। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। रविवार को मेरे घर कोई नहीं आता, नोबडी कम्स टू माई हाउस ऑन संडेज। उनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, नन ऑफ देम इज माई फ्रेंड। आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। आइए अब इन सारे वाक्यों को जो हमने इन वीडियो में सीखा है, इन्हें जल्दी से दोहरा लेते हैं एक एक करके। वह बहुत तेज बोलती है, शी स्पीक्स टू फास्ट। बहुत गर्मी है, इट इज टू हॉट। यह बहुत छोटा है, इट इज टू स्मॉल। यह उसके लिए बहुत बुरा है, दिस इज टू बैड फॉर हिम। मैं कम पानी पीता हूं, आई ड्रिंक इनसफिशियंट वाटर। मैं काफी पानी पीता हूं, आई ड्रिंक सफिशियंट वाटर। मैं बहुत पानी पीता हूं, आई ड्रिंक प्लेंटी वाटर। मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूं, आई ड्रिंक टू मच वाटर। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव हर टू मच। बहुत ज्यादा कोला आपके लिए अच्छा नहीं है, टू मच कोला इज नॉट गुड फॉर यू। उनके पास बहुत पैसे हैं, दे हैव टू मच मनी। कृपया बहुत ज्यादा मत खाइए, प्लीज डू नॉट ईट टू मच। यह ठंडा नहीं है, इट इज नॉट कोल्ड। थोड़ी ठंड है, इट इज ए लिटिल कोल्ड। काफी ठंड है, इट इज क्वाइट कोल्ड। बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दोपहर के बाद नमस्कार को कहेंगे गुड आफ्टरनून। शुभ संध्या, गुड इवनिंग। शुभ रात्रि, गुड नाइट। अलविदा,
गुड बाय, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन. मैं अच्छा हूं, आई एम गुड. मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम वेरी वेल, या फिर इसे कह सकते हैं आई एम वेरी गुड. सत्कार, स्वागत या अभिनंदन को कहेंगे वेलकम. धन्यवाद या शुक्रिया, थैंक यू. बहुत धन्यवाद या बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल. मेरे पास फ्रिज में कुछ भी नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग इन द फ्रिज. यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, इट इज नथिंग इम्पॉर्टेंट. अगर आपके पास खाने को कुछ नहीं है, पानी पी लो. इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, ड्रिंक वॉटर. मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट. रविवार को मेरे घर कोई नहीं आता, नोबडी कम्स टू माई हाउस ऑन संडेज. उनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, नन ऑफ देम इज माई फ्रेंड. आपका स्वागत है, यू आर वेलकम.